दोस्तों एक ऐसा पौधा है जो शादी ब्याह, ग्रह ग्रह प्रवेश या कोई भी पूजा पाठ हो, या कई लोग शौकीन से भी खाते हैं, जिसको पान पत्ता बोलते हैं, इतना महत्तम है, फिर भी हमारे यहाँ कई बार खरीदना पड़ता है, 4 दिन 5 दिन पुराना खरीदना पड़ता है। पूजा पाठ में अगर ताज़ा मिल जाए और उसके बाद भी आपके घर में ना हो तो कैसा लगता है, तो आज मैं बताऊँगा पान के बारे में, जो बहुत आसान तरीका से आपके घर में हो जाएगा। तो आइए, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देव नर्सरी, जो आपको बताऊंगा कटिंग के बारे में, पान का एक पौधा से बहुत सारा पौधा बना सकते हैं और किस तरह से बनाते हैं। दोस्तों देखिए, मैं लगाया हूँ यहाँ पर, एक सबसे पहला क्या कीजिए, आपके पास कोई पेड़ है तो वहाँ लगा दीजिए, तो बिल्कुल बिना देख रेख के हो जाएगा, आपके यहाँ तैयार होगा, आपके पड़ोसी में भी काम आएगा, सबके लिए काम आएगा, एकदम हमेशा के लिए पान पत्ता आएगा, इसको खाने में भी काम आएगा। आप सुबह खाली पत्ता खा लीजिए, बहुत ही फायदा रहता है दोस्तों। तो इसको और गमले में लगाना है कटिंग, इसको एक पौधा से बहुत सारा कैसे बनाए, आप कटिंग करके इसको गमले में लगाए, कैसे बना कटिंग लगने के बाद कैसे बहुत सारा पौधा तैयार कर ले और गमले में तैयार करें, मैं ये चीज़ बताऊँगा, सही दोस्तों जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए पूरा जमीन में फैल गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी मान लीजिए मदर प्लांट टाइप के रख दिए हैं, इससे नया नया पौधा बहुत सारा बनाते हैं, इसको सेल करते हैं। तो आप यहाँ से इसे काट कट कर सकते हैं, कम से कम एक एक फीट का पौधा रख लीजिए, जड़ भी है, तो ऐसे करके आपके गमले में भी होगा तो इस टाइप का जड़ निकला होगा, तो उससे आप बना सकते हैं, या किसी से मांग भी सकते हैं कहीं होगा तो, या आप खरीद के एक पौधा लाए तो उससे बहुत सारा बना के और अपने घर में तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो दीवार किनारे लगा दीजिए, दीवार में चिपक के भी बहुत अच्छा होता है पान का पौधा, बहुत बढ़िया होता है। और गमले में लगाएंगे तो गमले में भी बहुत अच्छा होता है। तो कटिंग कैसे लगाते हैं दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको, ये बता रहा हूँ। दोस्तों आइए, मैं बता रहा हूँ कटिंग के बारे में, जो बहुत आसान तरीका से लगता है और बहुत ही बढ़िया तरीका से हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो आप छोटा गमला, झिल्ली या डिस्पोजल या जो भी छोटा कम गहरा वाला गमला होगा, इसको जमीन मत लगाइए कटिंग, जमीन में शुरू में कटिंग लगाने से बहुत दिक्कत जाता है। तो आप पहले छोटा गमले कम गहराई वाला गमले में लगाइए, इसमें गोबर खाद नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा बल्ब में तैयार करते दोस्तों, तो मिट्टी में तैयार करके रखा हूँ और ये मिट्टी थोड़ा सूख गया है, तो मैं पहले पानी डालूंगा इसमें, इसको पहले पानी डाल दीजिए। पानी डाल के सबसे पहले जो एक्स्ट्रा पत्ता होगा नीचे का, अगर जड़ के पास ये पत्ता तो काट दीजिएगा, काट के और लगा दीजिएगा, बराबर डंगा लगाएंगे तभी भी लग जाता है आराम से, और इसको करके ऊपर से थोड़ा सा काट दीजिए और नीचे से ऐसे काट के ऐसे लगा दीजिए, बहुत ही आसान तरीके से लगता है दोस्तों। पान जानते ही हर काम में, पान हर शुभ काम में काम आता है, और पान का पत्ता हर शुभ काम में काम आता है, और बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसे खाने में भी बहुत स्वाद रहता है। तो आप अपने घर में लगाएंगे, कभी भी दो पत्ता निकाल के खा सकते हैं दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। तो इतना आसान से लगने वाला चीज़ आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, और ज़्यादा मात्रा में तैयार होगा दोस्तों, तो आप आपके यहाँ से पड़ोसी भी ले जाएंगे पूजा पाठ में, तो आपको कितना खुशी मिलेगा। तो आप ऐसे करके तैयार कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, थोड़ा सा नीचे नीचे का पत्ता काट देना चाहिए, वैसे हल्का रहता है तो जल्दी जड़ पकड़ता है, ऐसे करके। अभी मैं थोड़ा सा आपको कटिंग लगा के बताऊंगा, इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, न एलोवेरा न फंगीसाइड, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका ऐसी नया बनाता इसमें आ जाएगा, 15 से 20 दिन में नया डंगल आ जाएगा इसमें। बस छोटा कम गहरा वाला गमला होना चाहिए, चाहे झिल्ली होना चाहिए, इस टाइप का लगाइए, और आपका कीजिए क्या, छोटा गमला में लगाइए या कम गहरा वाला, गोबर खाद नहीं होना चाहिए उसमें, ऐसे करके लगा दीजिए। उसके बाद में इसको छाया में रखना पड़ता है दोस्तों, ये तो ऐसे भी छाया वाला पौधा है, इसको धूप में रखने से ख़राब हो जाता है, छाया में रखिएगा, हम लोग तो नेट डाल देते हैं ऊपर में, ऐसे करके पानी डाल दीजिए, 2 दिन हफ्ते में पानी डालना है, 2 से 3 चलूगा दोस्तों। एक हम लोग क्या है, नेट डालते हैं कट्ठे, एक बार नेट डाल देते हैं, उसके नीचे में लगाते हैं, छाया रहता है, इसमें छन के धूप मिलता है। तो आप क्या कीजिएगा, आप कहीं पेड़ के नीचे या छजे के नीचे रख दीजिएगा, तब जाके जड़ पकड़ेगा। आइए मैं दिखा रहा हूँ किस टाइप का हम लोग पहले कटिंग लगाए थे जोरा। देखिए दोस्तों, इसको मैं लगाया था कटिंग 15-20 दिन पहले लगाया था, पूरा नेट के अंदर रखा हूँ, सब में जड़ आ गया है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए पूरा आराम से बहुत आसान तरीके से जड़ आ गया है, देखिए दोस्तों एक भी पौधा नहीं खराब हुआ है, सब में जड़ आ गया है। तो ऐसे लगा के आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और लगने के बाद भी आपको छाया में ही रखना है, इसको धूप में ही रखना है, एकदम से रूम के अंदर भी मत रखिएगा, जहाँ पर 1-2 घंटा का धूप पड़ता होगा वहाँ लगने के बाद आप गमले में लगा कर रख सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपने घर में
लगा सकते हैं, इसमें कोई दवाई खाद डालना नहीं है। कभी भी कटिंग लगाए, कोई भी कटिंग, तो खाद डाल के दवाई डाल के नहीं लगाना है। शुरू में आप चाहे तो फंगीसाइड लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसी बस खाली मिट्टी रहे, रेती रहेगा, लगा सकते हैं। एक पौधा में इसको लगा के बताऊंगा आपको कि भाई कितना बड़ा गमले में लगाते हैं और कैसे लगाते हैं इसको। दोस्तों देखिए, पुराना मिट्टी है, इसमें मैं खाद उद मिला के थोड़ा सा गोबर खाद मिला के लगाऊंगा। इसमें भी रासायनिक खाद नहीं भी डालेंगे चलेगा, इंडोर प्लांट में उतना खाद नहीं लगता है। तब पुराना गमला रख लीजिए और इसमें क्या कीजिए, तो देखिए इसमें गोबर खाद भूसा और मिट्टी मिला हुआ है, इसको आप मिला दीजिए, मिला के इसमें डाल दीजिए ऐसे करके। 12 नंबर गमला है, बहुत आसान तरीका से लग जाता है, इतना बड़ा गमला होना चाहिए कम से कम। और छाया में रखिए और खिड़की के पास भी चढ़ा सकते हैं आप, खिड़की के पास रख के लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया से लग जाता है। तो इसमें दोस्तों मैं दो पौधा लगाऊंगा, आप एक भी लगा सकते हैं, दो लगाने से जल्दी से खाना होगा। तो मेरे पास बहुत सारा पौधा है, तो ऐसे करके आप दो पौधा लगा दीजिए, अगर आपके पास ज़्यादा है तो दो पौधा लगाइए, दो लगाने से घना रहेगा पौधा, अच्छा दिखेगा। तो ऐसे करके आप लगा सकते हैं दोस्तों, और इसमें रस्सी बांध के आप ऊपर, जैसे जैसे आपको जिधर भी ले जाना है रस्सी बांध के आपको ले जाना पड़ेगा, नहीं तो इसी में इधर उधर फैल के और बेकार टाइप के अच्छा नहीं दिखता है, और पत्ता भी खराब होने लगेगा तो आपका काम नहीं आएगा। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों पान का कटिंग काट के ऐसे ही लगाइए, अपने घर में रखिए, छाया में रखिए, कभी भी एक भी पौधा आपका खराब नहीं होगा। आप एक से बहुत सारा पौधा बना सकते हैं, बहुत इजी प्लांट है और ये घर में हमेशा काम आता है, आप डेली का पत्ता खा सकते हैं और पूजा पाठ में भी काम आता है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है और बार बार खरीदना भी नहीं पड़ेगा, बहुत आसान तरीका से। लेकिन इसको छाया में रखना पड़ता है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं एक नया वीडियो। नमस्कार दोस्तों।